हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको जय जय जगन्नाथ। मैं अच्छी हूँ, आप भी सब अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और मैंने ऑलरेडी सफाई कर ली है। और अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। क्रिश गए हैं फ्रेश होने के लिए और उसके बाद मैं और क्रिश दोनों बैठकर काम करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्रिश चल जाएंगे ऑफिस और मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी और दोपहर का लंच तैयार करूंगी। चलो बने रहो मेरे साथ। अभी मैं अपने पाँव को पैम्पर कर रही हूँ बिकॉज मेरे पाँव की एड़िया जो है वो फट रही थी। मुझे लगा कि क्यों ना इसको पैम्पर करें। फिलहाल मैंने अपने पानी में जो है पाँव को भिगो रखा है और ये जो स्टोन है इससे मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हाफ कर चुकी हूँ और थोड़ा सा और है तो मैंने सोचा और भिगो के अच्छे तरीके से कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं मसाज करूँगी इससे इसका। और मसाज क्रीम जो है मैं ये जॉय यूज़ करती हूँ मोस्टली। अब हम केतली वाला दूध लेने जा रहे हैं, मतलब टोकन वाला जो मदर डेयरी का दूध होता है वो लेने जा रहे हैं। इसके मेरे साथ बंधु जा रही है और अब मिलते हैं हम मदर डेयरी के पास। हम मदर डेयरी से दूध लेने के लिए गए थे और दूध खत्म हो गया है, इट मीन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। बच गए गाड़ी से और अब वो बोल रहे कि 9 बजे तक आएगा। तो अब मैं दोबारा क्रिश के साथ जाऊंगी दूध लेने के लिए। तो अब हम पूरी ही करारी चाट खा रहे हैं और हमने बोला है भैया को तीखा वाला बनाने के लिए और भैया तीखा वाला बनाएंगे क्योंकि हमको बहुत भूख लगी थी। फिर हमने ये बोला बनाने के लिए। भेल में भेल है, भेल में बेल है, लेकिन पूरी कहाँ है? पूरी तो है ही नहीं, पर इसको फिर भी भेल पूरी कहते हैं और कोई कहता है सेब पूरी, बट इसमें पूरी नहीं होती है। और अब हम एंजॉय कर रहे हैं भेल पूरी। ये तो कैसा लगा? स्पाइसी स्पाइसी यम्मी। मेरे को तो बहुत मजा आया। और बंधु तेरे को? बहुत अच्छी लगा। ये रात के 10:30 बज चुके हैं और जैसे कि मैंने बोला था कि क्रिश और मैं दूध लेने जाएंगे तो क्रिश बहुत ज़्यादा लेट आए थे क्योंकि वो जिम भी गए थे और जिम के बाद आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गई, तो इसलिए हम नहीं जा पाए। और खाना वाना हमने खा लिया अभी और उसके बाद मुझे कभी कभी क्या होता है ना कि आपका दिन चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपने कोशिश कर ली हो अच्छा करने की, बट एंड ऑफ द डे आपको जब दिन बुरा करना होता है ना, किसी ने तो कर ही देते हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कुछ नहीं होता है, माइंड ख़राब होना होता है तो हो जाता है। ठीक है, अब आप चाहे मतलब कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, मतलब इन द सेंस कि कुछ भी कर लो, आप कुछ करने के बाद भी अच्छा नहीं होता और कुछ नहीं करने के बाद भी अच्छा नहीं होता है। सो चलो कोई बात नहीं, चैनल में बने रहो ऐसे ही। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक प्लीज़ शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। एंड जो चैनल में सबसे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना। गुड नाइट, स्टे वेल, बाय।